हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आयु बच्चे ही होंगे। मैं हूँ सुमन, सुमन के रसोई एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल इजी तरीके से आलू की ऐसी सब्जी, बिल्कुल सिंपल, ना लहसुन प्याज बिना आप बना सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं। और सफ़र में आपको जाना है, कोई सब्जी ले जानी है, तो इसमें आमचूर पाउडर और चाहे नींबू का रस डाल के बना के ले जा सकते हैं। और आपके यहाँ ऐसे ही सब्जी को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ आलू की भुजिया बोलते हैं, आलू की भुजी। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस सब्जी को, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, और चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, टेस्टी लगता है, और पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। सफ़र में आप इसको लेके जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, बिल्कुल ईजी तरीका है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं, और लाइक जरूर करिएगा, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते। आप कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी। चलिए फिर बनाते हैं। चलिए आज बनाते हैं आलू की भुजिया। ये सब्जी ऐसी होती है, पूड़ी पराठे के साथ बड़ी वाली भुजिया बनाएंगे, बड़ी के साथ आलू भुजिया बनाएंगे। इस तरीके से पतले पतले काट लेंगे, दिखाते हैं आप। सारी आलू हमने काट लिया है इस तरीके से, देखिए। अब पानी में भिगो के रखेंगे, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है, तो भिगो के रखेंगे। अब तेल हमने रख दिया है कढ़ाई पे, गर्म हो रहा है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पंचफोरन। ये सब्जी पूड़ी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, चावल दाल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर बनाएं। इसमें डालेंगे हींग, हींग भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे, इससे खुशबू भी सही रहेगा। और देखिए हमने लिया है 2 बड़िए, ये डाल देंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे। बड़ी के साथ ये वाली भुजिया आलू की बहुत ही टेस्टी लगती है। बस चला देंगे थोड़ी देर। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, आप चाहो तो सीधे लाल मिर्च से भी बना सकते हैं। देखिए आप चाहो तो जीरा डाल के भी बना सकते हो, लेकिन पंचफोरन के साथ इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी लगता है। आप यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएंगे ना आप बहुत शौक से खाएंगे। देखिए हो गया है। अब इसमें मैं पानी में से निकाल के आलू डाल दूंगी। देखिए अच्छे से चला लेंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी, और 1 चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला। हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला। इसको नमक डाल के अच्छे से ढक देंगे। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, नमक डाल देंगे और डाल के अच्छे से चला के ढक देंगे। ठीक है, चला के हमने ढक दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, ढक देंगे। देखिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और चलाते हुए बीच बीच में इसको भून लेंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल करारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। चलिए आप भी बनाइए, खाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है आलू की भुजी। आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या और देर तक थोड़ी और मैं थोड़ी देर तक लाल करूँगी, बिल्कुल कुरकुरी बन के तैयार होगी। देखिएगा आप भी, देखने में कितना लजीज लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक बार इसको आप पूड़ी पराठे के साथ खाइएगा, ये यूपी बिहार का फेवरेट, ये आलू पराठे के साथ सब्जी बनती है आलू की भुजी, तो ये ज़रूर बनती है। तो आप भी देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। ठीक है, फिर चलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसे उतार लेती हूँ। आप भी बनाइए, खाइए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।